यीशु की नाम की महिमा हो ई अनुग्रहित आत्मिक सम्मेलन ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ഇരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് യുപിഎഫ് संगति को बहुत ही बखूबी लीड करने वाले पास्टर के पीछे कप यूपीएफ प्रेसिडेंट अनुभवी दत्मादाया सृष्टि मादाया देवदास सन्मारोडे प्रदीप दलिया वेदी नकारनो येल्ला देवदास सन्मार्कम और मंच पर मौजूद परमेश्वर के आशीषित खादिमों के लिए अनुभवी दमाया कालनंगल आलबिचार पर्यटन और आशीषित गानों को गाने वाले क्वायर के लिए കാലാകാലങ്ങളായി വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവോ വേർതിരിച്ച എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും സമയ സമയ സേ പരമേശ്വരനെ അപ്നെ നാം കി മഹിമക്കു ലിയെ അലഗ് കിയേ ഹുവേ സാരേ മസീഹി ഭായ് ബഹനോ കോ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പ്രഭു യേശു മസീഹിന്റെ നാം സേ വന്ദന പേശ് കർത്തേ ഹൈ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലും സുശ്രൂഷയിലും തന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയട്ടെ ഈ മഹാസഭയ്ക്ക് ശാമിൽ ഹോനേ കേ ലിയേ ഭാഗിദാർ ഹോനേ കേ ലിയേ മുജ് ദിൻ കോ ബി പരമേശ്വര നേ സൗഭാഗ്യ ദിയാ ഇസ്ലിയേ പരമേശ്വര കാ മൈ ധന്യവാദ് ദേതാ ഹൂ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരമേശ്വര കി നാം കി മഹിമ ഹോ ഈ വിശുദ്ധ പദകാലം വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് വർഷിപ്പായി ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ കർത്താവായ ദൈവം സഹായിച്ചു ये पवित्र दिन में कंबाइंड वर्शिप होकर संयुक्त आराधना होकर हम इतने लोगों को प्रभु के हुजूरी में आने के लिए प्रभु ने मदद की है कर्ताव ने श्रेष्ठ कल्पनाय विशुद्ध तिरमे सेल नभागवाकलागवान कर्ताव नमक वलिय भाग्यम तन्नु परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसके मेज से भागीदार होने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है ഈ വ്യത്യസ്തമായ സഭകൾ സ്ഥലം സഭകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ദേവദാസൻ ദേവന്റവുമായി നിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അസന്ന പാറയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും പെന്തക്കോസ്റ്റ് के समय में
सभीयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ देव सभी के देरे पिशाच वाले के न पत्ते दिगलम आ पत्ते दिगलम में देव आत्मा वो नमक तंद विषयों के न विषय से पति चिल कार्य के लिए न प्रस्तावित कोई करता है बंद पड़ गया परमेश्वर के कलीसिया के प्रति परमेश्वर का महान उद्देश्य और उद्देश्य उस उद्देश्य के खिलाफ शैतान के कार्य किस प्रकार होते हैं उसके बारे में सविस्तार आज आपके सामने मैं बांटना चाहता हूँ अभिषेक अनुरिक्त को लेटे देव मकर तो मेरे देव सब तो मेरे उदाहरण सत्य आक्रमण आक्रमण परिशुद्ध नाय देव नल अद्भुत विदल और उस विषय को मैं दोहराना चाहता हूँ परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठने वाले महान आक्रमण और चुनौती और उस चुनौती के सामने उस चुनौती के बीच में परमेश्वर देने वाला अद्भुत छुटकारा थोड़े समय के मनन के लिए अपोस्तल प्रवर्तन पुस्तक 19 अध्याय 19 वाक्य पाएगा प्रेरितों की किताब 12 अध्याय उसके पहले आयत को हम पढ़ेंगे Acts chapter 12 verse 1 प्रेरितों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय उसके पहले आयत इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की सॉरी उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मारा मारवा डाला अब जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पत्रोस को भी पकड़ लिया वे दिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो संकीर्तन और भजन संहिता से हमें प्रबोधना दिया हुआ परमेश्वर के दास इस वचन के आधारित कुछ बातों को कहा है पवित्र आत्मा के कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का एक खासियत भी है वो हमारे भूतकाल को हमारे वर्तमान काल को और हमारे भविष्य काल को एक साथ स्पर्श कर सकते हैं ये प्रेरितों की पुस्तक में हम देख सकते हैं पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक किस प्रकार कलीसिया हष्ट पुष्ट होकर बढ़ रही है परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के दास
दास सुनो, इन दिनों में हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना की शक्ति को और बढ़ा दे। एक घर आशीषित होते वक्त, एक कलीसिया आशीषित होते वक्त, एक समूह आशीषित होते वक्त एक बात याद रखे कि शैतान उसकी ओर अपनी निगरानी को रखता है। और पिछले दिनों से हम एक खोजबीन कर रहे थे कितने परमेश्वर के खादिम लोग, परमेश्वर के दास लोग तुरंत जल्द इस दुनिया से गुजर गए, कितने लोग आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंट से गुजरे हैं। कारण हमारे देवदास ने तुरंत करना है सफेद नशे पिटियां पिछाच ने बजवाई। कारण शैतान का इस प्रकार का तंत्र है कि परमेश्वर के दास को स्पर्श करे तो पूरी कलीसिया बिछड़ जाती है। इसलिए आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा की अगुवाई में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अगुवाई देने वाले परमेश्वर के खादिमों को प्रार्थना में आप लिए चले, प्रार्थना में उनको रखे। हम पढ़ने वाले इस अध्याय में कुछ बातें, रहस्यमय बातें, कुछ गूढ़ बातें छिपी हुई है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का यह खासियत है कि हम देख सकते हैं जहां जहां कलीसिया का उपद्रव हुआ है, वो शैतान ने आक्रमण भेजा है, शैतान भी ना जानते हुए परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाया, परमेश्वर ने छुटकारे को भेजा है। ये 12वां अध्याय आरंभ करती है एक दुखद खबर के साथ, एक दुखित समाचार के साथ 12वें अध्याय का प्रारंभ होता है। लेकिन 12वां अध्याय की समाप्ति किस प्रकार?
प्रकार होती है एक आनंद का समाचार के साथ है। ये 12वां अध्याय का प्रमुख विषय क्या है? और दुख की वार्ता संतोष की वर्तमान में मार गया। एक दुखद खबर आनंद का खबर में तब्दील हो रहा है। आज सवेरे पवित्र आत्मा इस प्रकार बात करता है कि आज के समय में प्राप्त कारण के दिन में दुख के वर्तमान में माय वेदने के वर्तमान में माय कष्ट के वर्तमान में माय कष्ट के वर्तमान में माय ई देव सभी के देव पैदले ई आराधन करना ई काम से बिट पावो ई दुख के वाता निगल कलवरत देयो संतोष के देयो समाधान के देयो देव प्रवृत्ति में देयो वर्तमान में लाके वर्तमान इस साल के प्रारंभ में दुख के साथ निराशा के साथ बहुत बड़े बड़े घटनाओं के साथ आप गुजरे चले आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में मैं बताऊं इस साल के समाप्त होने से पहले अद्भुत कार्य छुटकारा भेजकर अपनी महिमा को देकर आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा तब्दीली को परमेश्वर भेजने वाला है। और ये आत्मिक संगति में मैं एक संदेश आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्यों को करने वाला है, कुछ सुख खबर को आनंदमय खबर की ओर तब्दील करने वाला है, बदलने वाला है हमारा परमेश्वर। दुख और दुख के साथ निराशा के साथ रहने वाले प्रियो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कुछ दिन बीतने पर कुछ महीने बीतने पर परमेश्वर उस सुख के अनुभव को सारे बदल कर आनंद का अनुभव में बदलने वाला है। आनंद के साथ विश्वास के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। ये कलीसिया के प्रति एक संदेश है, इसे बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया, इसलिए ये संदेश आपकी ओर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये संदेश आपका भी है। वाले दुख को आप झेलने वाले
वाले परमेश्वर की महिमा करे। आज परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर मैं तेरा दास, मैं तेरा दासी हूँ, इसलिए मेरा जो दुख का खबर है, मेरा जो दुख का अनुभव है, उसको आनंद में बदलने वाला तू सामर्थी है। ये बारवा अध्याय के बारवे आयत में हम देख सकते हैं एक झुंड को जो प्रार्थना करती है, कुछ लोगों को जो इकट्ठे होकर प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं। I don't know.
ये मनोहर गुलाब के फूल को क्यों कर काटा दिया गया है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। कुछ चुनौतियों को, कुछ समस्याओं को, कुछ प्रतिकूलतम को, कुछ कष्टदायक कांटों को उसको सामना करते हुए आने वाले कन्वेंशन में
यदि जाम हो जाती है फिर हम आगे किस प्रकार बढ़ पाएंगे? तो ध्यान दीजिए, रोक आ गई है, रोक ठोक आने आ गई है, और हाथ बढ़ाया करके कहते हैं तो कुछ कार्यों को वहां पे करने के लिए ही है। पवित्र शास्त्र के अन्य भाषांतर में इस प्रकार कहते हैं, देश में सॉरी गुस्से के साथ, बहुत ही क्रोध के साथ, बड़े अहम के भाव के साथ इसने हाथ उठाया। वो बड़े क्रोध के साथ, बड़े घमंड के साथ अपना हाथ को फैलाया। परमेश्वर के दास और दासीगण, ये संदेश को ध्यान दीजिए, मैं और आप ना जानते हुए, परिवार के खिलाफ, व्यक्तिगत के खिलाफ, प्रार्थना करने वालों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, अभिषिक्त लोगों के खिलाफ, समय हाथ उठाने का समय हट गया, हाथ उठाने का समय आ गया। शैतान जब हाथ बढ़ाते हैं, मैं और आपका एक जिम्मेदारी है परमेश्वर के दासों, इस परमेश्वर के कलीसिया को तबाह करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए, एक पापी परमेश्वर के हुजूर में आने का रुकावट डालने वाला, समस्या के खिलाफ शत्रु जब हाथ उठाते हैं, हमारा जिम्मेदारी यह है कि हम अपने हाथों को उठाए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आत्मा में मैं नबुवत करता हूँ, आत्मा में ये संदेश को आप तक पहुँचाता हूँ। न जाने और जाने जब लोग आपके खिलाफ हाथ उठाते हैं, आपकी आशीष के लिए नहीं लेकिन आपको नाश करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर के लोग एक बात करना है, अपने हाथों को उठाना है, परमेश्वर की हुजूरी में घुटने टेकते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के कमरे में, इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के कलीसिया का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार संदेश बोलता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग जब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथ चलेगा। परमेश्वर के दास करो, परमेश्वर की सेवकाई में अनेक अनुभवों को, अनेक प्रशिक्षण को परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र सभा में आत्मा इस प्रकार कहता है, कितने लोग अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार,
आप जब अपने हाथों को उठा कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का हाथ चलने लगेगा। परमेश्वर का हाथ जब चलेगा इतिहास आज तक जारी रहता है।
इतिहास को मिटा डालने के लिए कोई भी शक्ति नहीं है। अग्रिप्पा पहला अपन विचार जो उसने ऐसा सोचा यीशु के शिष्य ना है, लेकिन यीशु का चेला जो है यीशु के इनर सर्कल पर मिशनरी आ रही है ना, यीशु के इनर सर्कल के चेला देवत ने दास ना के अपोस्तल ने वाय कुंदो कुंदो परमेश्वर के दास अपोस्तल को हत्या किया तलवार से। अपन विचार जो परमाणिक कर गया ना, और हेरोदेस ने सोचा कि सब कुछ निपट गया, खत्म हो गई। आज सवेरे मैं एक संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आत्मा की शक्ति के साथ, अभिषेक की शक्ति के साथ, वचन की शक्ति के साथ, श्रेष्ठ परमेश्वर के खादी वो करने वालों के प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मलयालम के तर्जुमा में तलवार से उसकी घात किया करके लिखा है, मूल भाषा लेकिन मूल पद में मूल भाषा में मूर्ति कत्ती व्यक्ति दो तरफ ये धार रखने वाले उस चाकू से मारा करके लिखा है। सभापिता आया और सभापिता तर्तुलियन सभा के इंग्लिश में बहुत कैसे बनाई बंदर कलीसिया के इतिहास में इस प्रकार कहता है, द बेटा द मार्टियस इज द सेड ऑफ द क्रिश्चियन चर्च और मस और रेक्टस शहीदों रेक्टम सभाएवड़े मित्तान शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। इन द पवित्र काल में आए दो दो कई बार नो इस सवेरे मैं एक संदेश आपको बताना चाहता हूँ। श्रेष्ठ देवदास सुनारे हे श्रेष्ठ परमेश्वर के दासों देवड़ियों के लेन का बाण ज्ञान दे ये मित्त मिले चिंतन दो आगे बड़े नाचवाल आगे नस्वाचार आगे स्पाउ के लिए कर गया इस सुधी के दिन कार्य कर गया देवत्र सोता बना जहाँ जहाँ सुखी भूमि में आपने ये बीज को डाला है वो एक खाद बनकर वो एक हरे पौधे के तौर पर उठ कर आने वाला है, वो खिलने वाला है। अपन लोग कर रहे हैं मैं एक बात समझे देव समय प्रवर्तन देवन ब्लॉक दे दो परमेश्वर के कलीसिया के बढ़ोतरी को इसने ब्लॉक कर दिया। परमेश्वर के दास याकूब को तलवार से मार गिराया वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रेरितों के लिए विश्वासी गणों के लिए शौक एक शौक का बात हो गई शौक वो एक स्तंभ करने वाली बात हो गई स्तोत्र कुछ बंद होते वक्त मेरे और आपके अंदर एक एक शक उत्पन्न होता है लेकिन आप बोझ से दबे नहीं इस सेवकाई के समाप्त होने से पहले कुछ ब्लॉक हट जाएगा कुछ शौक हट जाएगी कुछ ब्लॉक हट जाएगा कुछ शौक हट जाएगी ये विश्वास करने वाले हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करे आमेन। हेरोदास अग्रिप्पा पहला उसने कहा एक परमेश्वर के खादिम को मैंने मार गिराया अगला प्रेरित को पकड़ कर बंदी गृह के अंदर बंद कर रखा है ओ देवदास मारे परमेश्वर के दासों
एक परमेश्वर के दास को मार गिराया, अगला को बंद कर रखा है, उसको भी मारने के लिए और लोगों को प्रसन्न करने वाला होगा होकर योजना को तहत किया वहां पे एक पद इस प्रकार है पैसहा विश्व के नाम की महिमा हो क्या है अनेक प्रार्थना वीरों को हम देख सकते हैं
करता हूँ। चला अंधकार शक्ति के बगैर माचे कुछ अंधकार के सामर्थ को निष्फल करते हुए तगड़वा लोग के कई के ताक कई चला तबाह करने वाले हाथों को नष्ट करते हुए यूपी में जब प्रवर्तन रहा इस यूपी के कार्य क्षेत्र अब तक यदि परमेश्वर ने अगुवाई दी है परमेश्वर के दासों ये हमारे प्रार्थना के बदौलत है ना प्रार्थना की शक्ति के बदौलत इतने कार्यों को हमने किया है मैं कहता हूँ प्रार्थना को लगे रहे प्रार्थना को जारी रखे इससे भी उत्तम बातें परमेश्वर करेगा इससे भी महान कार्यों को परमेश्वर करेगा ये हमारे आंखों से हम देखने पाएंगे ये हमारे कानों से हम सुनने पाएंगे ये हमारे जुबान से हम गवाही देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए आमेन परमेश्वर का जब कार्य निकल आया उतर आया प्रार्थना की शक्ति जब पहुंची पवित्र परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को नीचे की ओर भेजा प्रार्थना करने वाले मंडली के बीच में वो नहीं आया भक्ति ग्रह के मध्य में वो उतर आया धन्यवाद देता हूँ आज सवेरे हम कहने पाए मैं ही आपके साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का कारण परमेश्वर ने मुझे आयु दिया परमेश्वर ने मुझे उम्र बढ़ा के दिया उसका कारण परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर की नाम की महिमा होने और महिमा हो परमेश्वर के कार्यों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को यदि और बढ़ाते हैं सशक्त करते हैं कार्य करने में परमेश्वर के दूत को वहां उतारेगा नमक प्रयास हमारे समस्या के सर पर परमेश्वर के दूत को वो उतारेगा हम जिस विषय को सुलझा नहीं सकते हैं उसके बीच में परमेश्वर सुलझन को भेजेगा परमेश्वर की नाम की महिमा हो हालेलुया इससे पहले बहुत दफा इतिहास में हम सीख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बंदी ग्रह के अंदर से बाहर आ चला है वो किसी भी संदर्भ वर्ष कारागृह या बंदी ग्रह के बाहर ना आए इसलिए बहुत ही सामर्थ्य रूप में सिक्योरिटी को बंदोबस्त किया गया परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ परमेश्वर के कार्यों के खिलाफ कोई भी कुछ भी कारनामे रख दे आत्मा के सामर्थ्य जब उसके बीच में उतरता है उस योजना को भंग करने वाला है हम विश्वास करने वाले परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की नाम की महिमा हो तब ब्लॉक तो दे दो ब्लॉक तो किया है ये परमेश्वर के मृत्यु के खबर जब काम पे आई भयंकर तब से लेकर बहुत ही उदासी छा गई आज सवेरे कोई भी विषय किसी भी विषय के मध्य में शत्रु ने बंद कर रखा हुआ दरवाजा ब्लॉक हो गया है उसका उदासी अभी भी आपके मन में छाया है इस संदेश को आप सुन ले ओपन खुल
खुल गई। देवचर्य का तोड़ कहाँ होगा? परमेश्वर कुछ चीजों का खुलासा करने वाला है, खोलने वाला है। जान ने मुझे बात तोड़ तो बच्चे निकलना। देखो मैं एक द्वार को तेरे सामने खोल रखा हूँ। अलार्म तो मन से बोला। तो कोई भी बंद नहीं कर सकता। इस पर ना तो देव नाम वाइस पर मारा करते हैं। आज सुबह ने परमेश्वर की महिमा हो। यंगने के आदत से चाहिए चाहती आलो। किसी भी रीति से उसको बंद कर रखे। देव तेरे पास दिया विषय से मैं बंद कर दिए वो। परमेश्वर का उद्देश्य और योजना उस विषय के मध्य में आ उपस्थित होते हैं। श्रेष्ठ देवदास सुन मारे। श्रेष्ठ परमेश्वर के खादिमो। ज्ञान विषय से कर लो। मैं विश्वास करता हूँ। चलो जो देव तोड़ा तो। कुछ कार्य को परमेश्वर खोल देगा। और नाम काम है तोड़ा तो। पहला द्वार बंद खोलेगा। अंडा काम है तोड़ा तो। पहले दरवाजा दूसरा दरवाजा खोलेगा। शहर के लोहे वाले फाटक खुले जाएंगे। अपने आना वहाँ पर नया नियम के पहला और उस यूनान शब्द आए ऑटोमार्गिसम मलयालम में सोतवे तोड़ंगो और अपने आप खुल गई। देवदास मारे अन्य नंबर भाग करता। परमेश्वर के दास बनो यही तो हमारा वादा है। के स्वर पर हमें खड़ा करने वाला तो यही है। आज समय समय के हाथ आप ऐलान कर सकते हैं। शत्रु ब्लॉक के दादा शत्रु ने जिस बात को ब्लॉक कर रखा है वो मेरे लिए एक उदासी बन गई। अशोक के नाली जी क्यों गया? उस उदास में दुख में मैं बैठा हूँ। लेकिन आप दुखित ना हो। बंद दरवाजे खुलेंगे। अरे कपट दो बोलता। बंद खुलेगा। अरे कपट दो बोलता। बंद खुल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? यारा ने भाई ने भवन के लिए कितने बोल? आराधना के तत्पश्चात जब अपने भवन में आप जाएंगे। यारा ने भाई ने सफेद ने कितने बोल? आराधना होने के बाद जब अपने घर में आप जाएंगे। यारा ने भाई ने जोड़ी सकते कितने बोल? आराधना के बाद जब मैं अपनी नौकरी के क्षेत्र में जाऊंगा। प्रभु मेरे लिए कुछ अद्भुत कार्य को करेगा। विश्वास रखने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दे। देवदास मारे। हे परमेश्वर के दास बनो। और दूध जन खंड में चाहिए ना। एक संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिल तोड़ का पड़ा तब वादे जो देवाल में तोड़ कर हो गया। कुछ ना खुला हुआ मार्ग को द्वार को परमेश्वर की आत्मा आपके सामने खोलेगा। हिंदू वाले चिंतित क्या था? अब तक नहीं सोचा हुआ। हिंदू वाले प्रदेश क्या था? अब तक अपेक्षा या उम्मीद ना रखा हुआ। अब तक आपने स्वप्न भी ना देखा हुआ। कुछ द्वारों को प्रभु खोलेगा। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के लिए धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करने वालों के लिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक संदर्भ है। वो भी मैं स्पष्ट कर मैं बंद करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ। जब प्रेरित को स्वर्गदूत ने बचाया दूत ने अपोस्टल से कहा तू मेरे पीछे आले। मैं उसके अंदर एक संदेश बताता हूँ। बचाया हुआ बच निकला हुआ बच निकला हुआ बचाव कार्य किया हुआ व्यक्ति के पीछे चलना है। धन्यवाद देता हूँ। एक हमारे आगे चल गया है। हमारे यीशु हमारे आगे चला है। यीशु
यीशु के पीछे अनुगमन करने के लिए परमेश्वर ने हमें वादा दिया है, इसलिए आज सवेरे आज हम यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला द्वार दूसरा द्वार सब कुछ पार हो गए और जब बाहर आए वहाँ पे एक पीतल का द्वार है और वो द्वार उनके लिए अपने आप खुल गई। ये वचन आप दोहरा सकते हैं क्या? ये मैसेज को पूर्ण विराम डालने के लिए दो मिनट बाकी है। एक बात आप कहे ये बात उनके लिए खुद ब खुद खुल गई। उसका कारण ये ताम्र वादल ये पीतल के द्वार का अंडरग्राउंड उसके अंडरग्राउंड में उसके निचली भाग में लॉक वो लॉक जो है बंधनगलम जो भी छोड़ है कारागृहത്തിന്റെ ബന്ദി ഗ്രഹത്തെ ഭൂകമ്പ പാതയിലുള്ള और भूकंप के मार्ग में रहने वाले ചെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്। सारे चेन के साथ जुड़े जुड़े हैं। बाहर खड़े वाले रहने वाले उसके वाइब्रेशन को समझ नहीं पाते हैं। अंदर यदि कुछ होता है तो बाहर भी समझे जाएंगे। बाहर कुछ होता है तो अंदर भी समझा जाएगा। लेकिन परमेश्वर जब कार्य को करता है परमेश्वर द्वार खोलते वक्त कोई भी अंदर से अपने कार्य को करे कोई भी बाहर से अपनी पद्धति को रचे परमेश्वर के कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज समय समय कहे शत्रु ने जो रुख ठोक कर दिया है वो मेरे लिए एक उदासी बन गई है। मैं नहीं डरा। परमेश्वर के दास लोग व्याकुलता के साथ नहीं लेकिन प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में जब लगे रहे वो खुल गई। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के विषय के जवाब प्रार्थना करने वाले कलीसिया के द्वार के सामने पहुंच गई। विश्वास करते हो प्रार्थना करने वाले विषय का जवाब जहाँ पे प्रार्थना हो रही है उसके द्वार पर पहुंच गई। पिछले दिनों में हम जो विषय के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं उसका जवाब द्वार पर पहुंच गई है। देखो द्वार पर पहुंच गई है। वो द्वार पर जब पहुंच गई साइलेंट मिशनरी और साइलेंट मिशनरी होने वाला रोधा समझ गई। आज सवेरे समय परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर का कार्य जब आपके द्वार पर आते हैं उसको समझने वाले उसको जांचने वाले लोगों के प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेरित जब आया प्रार्थना करने वाले उस कलीसिया के द्वार पर खटखटाया मैं द्वार पर खटखटाया। यदि कोई मेरी आवाज को द्वार को खोले मैं उनसे और वो मेरे साथ भोजन को करेंगे। ये संदेश यहाँ पर जब समाप्त होता है एक कंक्लूडिंग मैसेज के तौर पर मैं कहता हूँ। इस संबोधन में पढ़ते के दिलगाय होते हैं। ये संदर्भ हमें एक बात को सिखाती है। पीछे कौन खड़ा है वो समझने के बाद ही द्वार को खोले। धन्यवाद देते हैं। शत्रु ब्लॉक किए तो शत्रु ने ब्लॉक किया है वो मेरे लिए उदासी बन गई। मैं प्रार्थना करते रहा। धन्यवाद देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे खोला। परमेश्वर ने जब खोला
एक आवाज छुटकारे का आवाज को मैं खटखटाते हुए सुना समीप भावे और समीप में उड़बड़ नंबर का नमक कहता एक छुटकारे का आवाज को हम सुन सकते हैं आदि मनसा का देव का का जन देव पर स्तोत्र उस समझने वाले परमेश्वर के खादिमों के लिए लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मरत हो गए ना भूले ब्लॉक करा ब्लॉक्ड शॉक करा शॉक्ड ओपन द ओपन नॉक नॉक उड़बड़ नंबर दरवाजा ஆனந்தமே சேர்ந்திருந்தால் பயமில்லையே அன்பேருந்த கைகளால் அற்புதமாய் நடத்திடும் மதுரமேறும் மொழிகளால் தன் ஸ்நேகம் என்னோடு பங்கு வைக்கும் அன்பேருந்த கைகளால் அற்புதமாய் நடத்திடும் மதுரமேறும் மொழிகளால் தன் ஸ்நேகம் என்னோடு பங்கு வைக்கும் ஒற்றைக்கு விடுகையில்ல மடுத்து மாறுகையில்ல என்னை ஒற்றைக்கு விடுகையில்ல மடுத்து மாறுகையில்ல அந்தியம் வரே சுடுமதி இயேசுவெண்டே கூடமதி